गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज आपको पार्ट चार का अभ्यास कार्य करना है जिसका आपको हेडिंग लिखनी है। पहले पार्ट चार लिखने के बाद लिखना है सही का निशान लगाइए। क राम किसका नाम है, तो सही क्या है इसमें से? व्यक्ति का, ऐसे सही निशान लगाना है और लिखना है व्यक्ति का। इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, वस्तु का, स्थान का, लेकिन सही है व्यक्ति का। ख बुढ़ापा शब्द से क्या पता चलता है, स्थान का, वस्तु का या भाव का? तो आपको लिखना है भाव का, उत्तर क्या लिखना है? भाव का। ग गांव शब्द से किस प्रकार के नाम का पता चलता है, स्थान का, क्योंकि हम ये पाठ जो पढ़ रहे हैं वो संज्ञा है इसलिए। तो गांव शब्द जो है उससे पता चलता है स्थान का, ठीक है। उसके बाद आपको करना है संज्ञा शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। ये हेडिंग है दूसरी एक्सरसाइज की। क झील में कमल का फूल खिल गया, झील में कमल का फूल खिल गया। संज्ञा शब्द है आप, क्योंकि पानी में ही कमल खिलता है इसलिए यहाँ पर कमल का ही नाम है। ख प्लेटफॉर्म संख्या दो पर रेलगाड़ी आ गई, प्लेटफॉर्म संख्या दो पर रेलगाड़ी आ गई। हम गाय को गो माता कहते हैं। घ बालिका किताब पढ़ती है। ण बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये मात्राएं आप ध्यान से लगाइए, अभी जब मैं कॉपियां चेक कर रही हूँ आपकी तो उसमें मात्राओं की गलती मिल रही है मुझे, आप मात्राएं ढंग से लगाइए। और ये दोनों काम है इनको ढंग से कर लीजिए अच्छे से। पार्ट चार का है ये वर्क।